मैनु दसन लग्या बहुत खुशी हो रही है कि डिपार्टमेंट ने एक NPTEL स्वयं ते MOOC कोर्सेस ने जिहड़े कि बच्चे अपने घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं ते वो एक एक्स्ट्रा उन्हां च एडवांटेज होएगा ते वो अपने स्किल नूं होर इंप्रूव करनगे। ये एक स्कीम है जिहड़ी MHRD वल्लों शुरू की गई है। असी इस चैप्टर नूं अपने डिपार्टमेंट च खोल के विद्यार्थियों की पूरी तरह इहदे च कोशिश करांगे उन्हां दे विच ये वाले सर्टिफिकेट लैण ते उन्हां दे विच प्लेसमेंट कराउण वास्ते भी उन्हां च निपुणता आवे। तो उम्मीद करदा भी ये काफ़ी सारे बच्चे इहदे च भाग लैणगे। इस असीं यह भी कोशिश कर रहे हैं भी इत्थे एक सेंटर होवे जिहदे विच काफ़ी सारे बच्चे ऑनलाइन कोर्सेज़ करन ते ये कोर्सेज़ जिहड़े ने इस तरह के कोर्सेज़ ने जिहड़े कि मॉडर्न ने नवे ने ते इहदे नाल इन्हां दे विच वाकई ही स्किल च वाधा होवेगा। हाँ साढ़े को एक मैम असी इतने डॉक्टर रिचा शर्मा जी हैं उन्होंने असी कोआर्डीनेटर लगाया वो कोआर्डीनेट करे इस एक्टिविटी बच्चों रजिस्टर कराएंगे। बच्चों लैक्चर भी होंगे उन्होंने तो वो लैक्चर के थ्रू उन्होंने असाइनमेंट्स के होर जे ऑनलाइन घर बैठे ही उन्होंने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे तो ये जी एक वर्ल्ड क्लास टीचिंग भी उन्होंने मिलेगी। मैं डॉक्टर रिचा शर्मा डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग दे विच असिस्टेंट प्रोफेसर ते असी इंजीनियरिंग विभाग दे विच NPTEL दा एक लोकल चैप्टर स्टार्ट किया है जिदे विच मैं SPOC अपॉइंट हुई हाँ। SPOC दा मतलब है सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जिहड़े भी स्टूडेंट्स साडे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ते इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग दे होणगे जिहड़े रजिस्टर करना चाहते हैं वो SPOC दे थ्रू NPTEL दे विच रजिस्टर कर सकते हैं। ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिहड़े MHRDC ने MOOC ते स्वयं दे नाल करके शुरू किए ने ते जिहड़े साडे स्टूडेंट्स हैं वो इसका बेनीफिट लै सकते हैं जिवें कि उन्हां दी डिग्री दे विच ये सारे कोर्सेज प्रमाणित हैं। उन्हां नूं इस चीज़ के क्रैडिट मिलते हैं कि जे वो MOOC का कोई कोर्स क्लीयर करते हैं। MOOC दे कोर्सेज इलैक्टिव सबजैक्ट्स दे विच ने जिन्हां दी लिस्ट बच्चों टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाएगी ते एक जिहड़े कोर्सेज ने 4 हफ्ते, 8 हफ्ते, 16 हफ्त्यां दे हन ते बच्चे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते ने ते जिहड़े उन्हां दे सेंटर है पंजाबी यूनिवर्सिटी भी बन सकता है या नियर बाय जिन्ने भी SPOCs बने हुए ने लोकल चैप्टर्स बने हुए ने उत्थे उन्हां दा सेंटर बन सकता है। NPTEL दे विच रजिस्टर्ड हुए स्टूडेंट्स दा जिहड़ा भी वो सबजैक्ट रजिस्टर करते हैं उन्हां दियां ऑनलाइन असाइनमेंट्स आनगियां उन्हां नूं ऑनलाइन ही वह करके सबमिट करवानियां हुंदियां ने पर जिहड़ा उन्हां दा एग्जाम है वह ऑफलाइन हुंदा है एक सेंटर दे विच ते वह एग्जाम क्लीयर करन लई उन्हां नूं घट्टो घट्ट 100 दे विचों 40 नंबर लैने हुंदे ने ते जिहड़ा स्टूडेंट 60 नंबर या 60 तो उपर नंबर लैंदा है उसनूं अलीट दा टैग दिता जांदा है ते जिहड़ा NPTEL दा सर्टिफिकेट है वह MOOC अते MHRD वल्लों प्रमाणित है। मैडम अगर स्टूडेंट इस तों अलावे इह सर्टिफिकेट लै के अगर स्टूडेंट की कर सकदा है इस तों अलावे कोई यूज़ ये जिहड़े कोर्सिज हैं ये प्रोफेसनल कोर्सिज ने टैक्नीकल कोर्सिज हैं बच्चों की नॉलेज एनहांस होने के नाल प्रोफेसनली भी ग्रो करते हैं। हाँ जी इन्हों का शड्यूल आंदा है जिवें 15 दिन पहला वो SPOC नूं ईमेल पाते हैं कि नैक्सट वीक या नैक्सट मंथ केड़े केड़े कोर्सिज होंगे ने तो वो स्टूडेंट्स के ग्रुप दे विच फ्लोट किया जाता है। कोई टाइम पीरियड है मैडम स्टूडेंट अपलाई कर सकते? हाँ जी उन्होंने 15 दिन का टाइम दिता जाता है अपलाई करन दा। एक है जिस दे विच एक लिंक दिता जाता है वो बच्चे गूगल फॉर्म भर के वो SPOC दे कोल मतलब लिंक आंदा है कि हाँ इन्ने बच्चे रजिस्टर हो गए ने फिर वो SPOC वो बच्चों नू NPTEL दे नाल कनेक्ट करदा है। हुण तक दी गल कीती है किन्ने के स्टूडेंट जिहड़े ने ऑनलाइन अप्लाई कर चुके? असीं हजे हुणे ही डिपार्टमेंट दे विच मतलब कह लो कि अज कल दे विच ही असीं ये खोलिया पर बच्चों दीआं बहुत सारियां क्वेरीज आ रहियां ने जिस तों सानूं उम्मीद है कि बहुत सारे विद्यार्थी इस दे विच पार्टिसिपेट करनगे। इस दे विच एक बेनीफिट होर है कि विद्यार्थियों के नाल नाल फैकल्टी भी इस कोर्स नूं ज्वाइन कर सकती है ते फैकल्टी ने जदों ये कोर्स ज्वाइन करना है तो वह एज अ मैंटर ज्वाइन करते हैं वह एज अ स्टूडेंट नहीं ज्वाइन करनगे ते ये नंबर उन्होंने जेडे जिवें कैश की फाइल दे विच प्रमोशन फाइल दे विच भी ये नंबर काउंट होंदे ने। NPTEL दे प्रोफेशनल कोर्स जो बच्चे करनगे
ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀਕੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੋਰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ।